नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को गुंजा औषधि के चमत्कारी तांत्रिक फायदे बताने जा रहा हूँ। गुंजा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गुंजा जो है कई रंगों में आती है, लेकिन दोस्तों जो सफेद गुंजा होती है वास्तव में बहुत शक्तिशाली एवं तांत्रिक शक्ति से परिपूर्ण होती है। मित्रों, गुंजे का पौधा एक तांत्रिक पौधा होता है। वैसे तो इसके आयुर्वेदिक फायदे बहुत हैं, लेकिन दोस्तों इसके मैं आपको तांत्रिक फायदे बताने जा रहा हूँ। ऐसे टोटके बताऊंगा जो आपका जीवन बदल देगी। और तो और दोस्तों, इस गुंजा की, जी हाँ दोस्तों, इस गुंजा पौधे की सहायता से आप लोग असुरी तथा देवीय शक्तियों को देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भूत प्रेत तथा अन्य देवी देवताओं को आप देख सकते हो इस दिव्य गुंजे पौधे की द्वारा। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। यदि आप लोग सचमुच असुर शक्तियों के दर्शन करना चाहते हैं, भूत प्रेत बैताल देखना चाहते हैं, और यदि आप दैवीय शक्ति देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों, मैं अपनी इस वीडियो में वो रहस्य बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों, यदि बताया होगा तो दोस्तों यह जानकारी सबसे एडवांस है, सबसे अलग है, सबसे रहस्यमयी है। तो इसको पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। इससे पहले दोस्तों कि मैं आगे बढ़ूं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस गुंजा औषधि से अगर आपको चमत्कारी लाभ लेना है, अगर आपको इस तांत्रिक पौधे का चमत्कार देखना है, चमत्कारी शक्ति देखनी है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे को सिद्ध रूप में इसको उखाड़ेंगे, यानी कि इसको सिद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि जा करके इस पौधे को ला करके आप इसका प्रयोग करिए, लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। एक तरीका होता है, एक विधि विधान होता है, एक शुभ नक्षत्र होता है। हर बार मैं बताता हूँ कि जितनी भी तांत्रिक औषधियाँ हैं उनका एक नियम होता है उनको प्राप्त करने का, उनके अंदर उस शक्ति को जागृत करने का। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इन प्रयोगों को बड़े ध्यान से करना है। सुनिएगा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि पौधों में भी जान होती है, जान होती है तभी तो ये बड़े होते हैं। और दोस्तों, और ये मृत भी हो जाता है किंतु नमी पा करके ये जीवंत भी हो जाता है, इसलिए ये मनुष्य से अलग है। यह जीवन, यानी जो पेड़ पौधे का जो जीवन होता है वो अलग है, लेकिन दोस्तों इसमें जो तांत्रिक शक्ति अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि इससे आप सही लाभ ले सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको जो सिद्ध करना है, इसको प्राप्त करने की विधि बताता हूँ, तभी आप असुरी शक्तियों को देख सकते हैं। इस चमत्कारी दिव्य गुंजा पौधे की जड़ के द्वारा तभी आप असुरी शक्तियों को देख सकते हैं तथा अनेकों प्रकार के सम्मोहन कर सकते हैं तथा अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, तभी आप सभी के हितैषी और प्रिय बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे प्राप्त करने के लिए जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ उसको ध्यान से लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक शुभ नक्षत्र चुनना है। जी हाँ दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से, सबसे बढ़िया हमें शुभ नक्षत्र चुनना है, जैसे अश्वनी नक्षत्र, आद्र नक्षत्र, ठीक है, या फिर अगर ये नक्षत्र समझ में नहीं आते तो आप रविवार या बुधवार या फिर शनिवार को इसको ला सकते हैं, या फिर दशहरा, दीपावली, या फिर होली, या फिर दोस्तों कोई शुभ त्यौहार हो उस समय भी आप इस दिव्य पौधे को जो है आमंत्रित करके अपने घर पे ला सकते हैं। और लाना कब है? सुबह सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इस पौधे को लाना है। क्या करना है आपको कि अगले दिन, यानी कि एक दिन पहले इसको जो निमंत्रण दे करके आना है, विधि क्रिया करके आनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे का छोटा सा लोटा लेना है, प्यारा सा, और उसमें तांबे के लोटे में जल भरना है, और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि हल्दी चावल लेना है एक थाली में, और थोड़ा सा सिंदूर ले लेना, हल्दी चावल, थोड़ा सिंदूर, और रोली ले लीजिए, ठीक है, और कपूर की 2 से 4 टिकियाँ ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों
आपको अगरबत्ती ले जानी है अपने साथ में, और जाइए। और जाने के बाद इस पौधे के पास जब आप जाएंगे तो इससे थोड़ी दूर, जी हाँ दोस्तों, इस पौधे से थोड़ी दूर जो है आप अपनी चप्पल को उतार दीजिए। और किसी किसी औषधि को जब यह क्रिया करते हैं तो उन औषधियों को खाने से पहले हमें कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल और केवल आपको उस पौधे से थोड़ी दूर पे अपनी चप्पल उतार देनी है, खाली चप्पल उतारनी है। और आने के बाद दोस्तों आपको जो है इस पौधे को सर्वप्रथम प्रणाम करना है, किसको, गुंजा को। और इस गुंजा में एक विशेष प्रकार की अदृश्य शक्ति विराजमान होती है, ठीक है, जो आपके जीवन को संचालन करेगी। तो दोस्तों जब आप जाएंगे इसको प्रणाम करना है, प्रणाम करने के बाद बोलना है, हे अदृश्य शक्ति, हे गुंजा देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस गुंजे के पौधे के पास जा करके। और इसको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, हल्दी लगाना है, सिंदूर लगाना, अक्षत डालना है इसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो है अगरबत्ती लगा देनी है और इसको प्रणाम करना है, ठीक है। अगरबत्ती के बाद दोस्तों अब फिर जो है मित्रों आपको जो आपके पास जो कपूर की टिकियाँ हैं उनको जला करके इसकी आरती करनी है 5 से 10 सेकंड। ऐसा करने के बाद प्रणाम करिए और उसको बोलिए कि आपका कल निमंत्रण है और आप जागृत अवस्था में आ जाइएगा और मैं आपको कल इसी समय लेने आऊँगा और आपको मेरे यहाँ चलना है और मेरे सभी कामों को सिद्ध करना है, आपकी बहुत कृपा होगी हे अदृश्य शक्ति। इसके बाद आपको वहाँ से आ जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कतई भी। जी हाँ, यदि आप पीछे मुड़ के देख लेंगे तो ये प्रयोग कार्य नहीं करेगा और कई बार दोस्तों आपके साथ कुछ घटित भी हो सकता है। कोई पीछे से कितना भी चिल्लाए, आवाज़ निकाले या तुम्हारा नाम ले, चाहे कोई भी जानकार हो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, चुपचाप आना है अपने घर पे, किसी से बोलना नहीं है, हाथ पैर धो करके चुपचाप अपने काम में लग जाना है। और इसके बाद उसके अगले दिन बुधवार को इसको प्राप्त करके या किसी शुभ नक्षत्र में प्राप्त करके इसको प्रयोग में लाना है। और प्रयोग में कैसे लाना है, आपको जब इसको आप उखाड़ेंगे ना तब इसकी जड़ को दोस्तों आपको तोड़ के लाना है। जब इसको एक झटके में आप उखाड़ लेंगे अगले दिन जा करके, इसकी जड़ को एक झटके में उखाड़ लीजिए और उसको तोड़ करके इसकी जड़ को अपने पास ले आइए। अब इसकी जड़ को यदि आप तकिया के नीचे रख कर सोते हैं तो दोस्तों आपको निंद्रा बहुत अच्छी आएगी। यदि आपको नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते हैं, तकिया में रखिए दोस्तों, तो दोस्तों इससे नींद बहुत अच्छी आएगी, ये प्रमाणित प्रयोग है, ठीक है, नींद बहुत बढ़िया आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आप इसके द्वारा किसी को वशीभूत करना चाहते हैं गुंजा की जड़ को, क्या करिए कि आपको गुंजा की जड़ को घिसना है थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसमें थोड़ा लाल चंदन मिलाना है और माथे में तिलक करना है। इस और आप कहीं पर भी जाएंगे सभी आपके प्रति सम्मोहित होंगे। यदि आपको किसी को बस में करना है, वशीभूत करना, महावशीकरण करना है, तो आपको क्या करना है, इस गुंजा की जड़ को लेना है, ठीक है। और इस गुंजा की जड़ को लेकर के दोस्तों आपको क्या करना है, जिसको बस में करना है, आपको क्या क्या बोलना है, जो भी जिसका नाम है, आप जिसको बस में करना चाहते हैं उसका नाम लेना है अमुक की जगह। जैसे मैं बोल रहा हूँ अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, कैसे बोलना है, अदृश्य शक्ति, ऐसे बोलना आपको, अदृश्य शक्ति अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है, अदृश्य शक्ति अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, अमुक की जगह उसका नाम लेना है, ठीक है। और 108 बार मंत्र पढ़ करके उसी जड़ में फूंक मारना है। इससे क्या होगा दोस्तों, फिर वह सिद्धि आपका महावशीकरण काम करेगा और फिर दोस्तों इसकी जड़ को और जो है फिर आपको अपराजिता का रस और इस जड़ का चूर्ण, इन दोनों को मिला करके यदि किसी को भी आप यदि थोड़ा सा किसी भी खान पीन की वस्तु में दे देंगे तो वो निश्चित ही आपके प्रेम में बंध जाएगा, उसका महावशीकरण हो जाएगा, वो आपके प्रति सम्मोहन हो जाएगा। समझ में आए दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यदि यदि आप इसकी इसकी जड़ को तावीज में भरकर पहनते हैं तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि यदि आप देवी, जी हाँ दोस्तों, देवताओं को देखना चाहते हैं, असुरी शक्तियों को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसकी जड़ को जो यह सिद्ध जड़ प्राप्त करी है इसको अपने माथे में बांध लेना है। ध्यान रखिए, इसको लाल धागे के साथ या काले धागे के साथ अटैच करके अपने माथे में बांध लेना है, ठीक है, मुकुट की तरह। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है त्राटक करना है,
शीशे के ऊपर, शीशे के सामने खड़े होकर के, या फिर दोस्तों आपको जो है दीवार पर पांच कम से कम जो है दोस्तों दो कम से कम यानी कि कह सकते हो आप जो है एक दो फीट की दूरी पर, दो फीट की दूरी पर जो है आपको एक सफ़ेद कागज़ पे एक गोला बनाना है और उस पर जो आपको जो क्या करना त्राटक करना है, ठीक है, लगातार थराटक करना है आप, और देखेंगे इसके बाद 14 दिन तक आपको ये क्रिया करनी है। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, आपकी थराटक शक्ति बढ़ा देगा ये, और इससे क्या होगा कि आपको, इससे क्या होगा आपको को 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद आपको जो असुरी शक्तियाँ और जो अन्य देव शक्तियाँ वो आपको दिखने लग जाएंगी। आपके सामने अजीब अजीब घटनाएँ होंगी बहुत, लेकिन डरना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों बहुत बढ़िया प्रयोग है, इसको करिए आपको ज़रूर पता चलेगा। और तो और दोस्तों आप चाहें तो चांद के साथ भी थराटक कर सकते हैं, रात के समय अपने माथे पे इस गुंजा की जड़ को बांध करके आप रोज चांद को देखिए बिना आंखों को झपकाए लगातार, रोज रोज जो है दोस्तों आपको 5 मिनट से आधा घंटा तक इसको देखना, पहले दिन 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, ऐसे ऐसे टाइम आपको बढ़ाते जाना, ऐसे आपकी जो थराटक शक्ति है वो तीव्र हो जाएगी। और दोस्तों फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके सामने असुरी शक्तियाँ दिखाई देंगी, देव शक्तियाँ दिखाई देंगी, जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसमें दिखाई देंगी असुरी शक्तियाँ, समझ में आई बात। और लेकिन डरना नहीं, आपके सामने अजीब अजीब घटनाएं होंगी, आप बहुत ज़्यादा डर भी सकते हो, इसलिए इसको कमज़ोर दिल वाले ना करें दोस्तों। यह प्रयोग अजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत सारे सिद्ध साधकों ने किया है, आप भी इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जो लोग इस चीज़ को पखंड मानते हैं वो लोग इन सब को ना करें, यह प्रयोग उनके लिए कतई नहीं है। धन्यवाद, ऐसे ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी का कल्याण हो, जय हिंद मित्रों।